गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मैं रामस्वरूप जाखड़ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अपना हिंदी विषय और हिंदी विषय में पढ़ेंगे अलंकार। ठीक है, जो अलंकार है वो कक्षा 12 के लिए बहुत अहम है और अक्सर परीक्षा में इससे सीधी सीधी प्रश्न या जब हम किसी काव्यांश का भावार्थ लिखते हैं और फिर उसका हम संदर्भ लिखते हैं, काव्य सौंदर्य लिखते हैं, तो उसमें जो अलंकार है वो बताया जाता है। ठीक है, अलंकार से संबंधित एक या दो नंबर के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक जो अलंकार है उसको समझना है। सबसे पहले देखेंगे हम अलंकार है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। आई बच्चों, बात समझ में आपकी, जो अलंकार शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। ठीक है, फिर देखिए अलंकार शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका अलम और दूसरा आपका कार। अलम का अर्थ है भूषण या गहने। ठीक है, अलम का अर्थ है भूषण या गहने। ठीक है, कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। कार का अर्थ क्या है? सुसज्जित करने वाला। ठीक है, अलम का अर्थ आपके समझ में आ गया कि अलम का जो अर्थ है वो भूषण या गहने होते हैं और कार का अर्थ क्या होता है आपका? कार का अर्थ होता है आपका सुसज्जित करने वाला। ठीक है, जो इससे संबंधित भूषण और किस प्रकार से सुसज्जित करते हैं इससे संबंधित एक चित्र है आपके सामने, वो देखिए आप। दोनों चित्रों में से किस चित्र में स्त्री अतीक सुंदर और सुसज्जित लग रही है और क्यों लग रही है? प्रश्न है आपसे कि दो चित्र आपके सामने दिए गए हैं, उन दोनों चित्रों में से किस चित्र में जो स्त्री है वो अधिक सुंदर और सुसज्जित लग रही है? ये लग रही है या ये लग रही है? ठीक है, तो आप स्वयं इसका आकलन कर सकते हैं कि यह जो स्त्री है वो अत्यंत सुंदर और सुसज्जित लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि इसने जो आभूषण है वह धारण कर रखे हैं। ठीक है, देखिए आप किस प्रकार से सुसज्जित कपड़े हैं वो इसने धारण कर रखे हैं, किस प्रकार से इसने अपना जो श्रृंगार है वो कर रखा है, और यह जो स्त्री है वो श्रृंगार क्या है? विहीन है, अर्थात इसने किसी प्रकार का अपना जो श्रृंगार है वो नहीं कर रखा है। ठीक है, तो आपने चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से यह जो स्त्री है वह आभूषणों से अच्छी लग रही है, उसी प्रकार जो आपका हिंदी विषय है वह जो अलंकार है उनसे क्या होता है? सुसज्जित अर्थात सुंदर होता है। ठीक है, आगे देखिए अलंकार की परिभाषा हम देखेंगे। अलंकार की परिभाषा, तो अलंकार कहते किसे हैं? तो देखिए, वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक, बहुत सीधी सी सरल सी परिभाषा है, अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती है कि अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो देखिए, वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार सामान्य जीवन में हर मनुष्य स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, जैसे कि अभी हमने दो चित्र हैं स्त्रियों के देखे थे, किस प्रकार से एक चित्र में जो स्त्री है वो क्या थी? आभूषणों से रहित थी। एक स्त्री है, उसने किस प्रकार से जो आभूषण है वो क्या कर रखे थे? धारण कर रखे थे। ठीक है, उसी प्रकार साहित्य में अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी, सुंदर व चमत्कारिक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। आए बच्चों, समझ में आपके बात?
कि किस प्रकार से जो साहित्य है उसमें अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी, सुंदर व चमत्कारिक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छी तरह से आपने जो अलंकार है उसकी परिभाषा और उस परिभाषा का जो अर्थ है वो आपने समझने का प्रयास किया है। आगे देखिए, अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, पहला है आपका शब्दालंकार और दूसरा है आपका अर्थालंकार। पहला कौन सा आपका शब्दालंकार है, दूसरा कौन सा आपका अर्थालंकार है। तो देखिए इसके अंदर शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं, बड़े ही विस्तार पूर्वक हम इनको समझेंगे। शब्दालंकार, तो देखिए इसमें शब्दालंकार, नाम से ही पता चल रहा है कि शब्दालंकार क्या है। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को क्या करते हैं, अलंकृत करते हैं। अलंकृत पता चल गया आपको क्या होता है अलंकृत। अलंकृत का अर्थ होता है अर्थात शब्दों की सुंदरता बढ़ाना, ठीक है, अलंकृत करना अर्थात उनको सजाना, ठीक है, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से वह सौंदर्य क्या हो जाए, लुप्त हो जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है आपका शब्दालंकार होता है। ठीक है, जो शब्दालंकार है उसके भेद है आपका अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है। ठीक है, तो हम आगे जानेंगे इनको। अगला देखिए अर्थालंकार, अगला कौन सा है अपना अर्थालंकार। ठीक है, तो अर्थालंकार में देखिए इसकी परिभाषा, जब किसी काव्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, जब किसी काव्य का सौंदर्य उसके किस पर आधारित होता है, अर्थ पर आधारित होता है, तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहले हमने शब्दालंकार में देखा था कि जब काव्य होता है उसका सौंदर्य होता है वो शब्दों में होता है, शब्दों के आधार पर होता है। ठीक है, अगला है आपका अर्थ के आधार पर, अर्थात शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है, किस प्रकार से उसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें अर्थालंकार के प्रमुख भेद है आपका, पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है अतिशयोक्ति अलंकार और चौथा कौन सा आपका मानवीकरण अलंकार। बहुत सारे अलंकार और भी हैं, इनसे शब्दालंकार के भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे अंग हैं, भेद हैं अर्थालंकार के भी हैं, लेकिन जो आपके पाठ्य विषय में दिए गए हैं वही हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अगला देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार, पहला अलंकार कौन सा है आपका अनुप्रास अलंकार है। जो अनुप्रास अलंकार है उसको बड़े ही ध्यानपूर्वक आप समझेंगे, तो देखिए अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति, ध्यानपूर्वक सुनिए, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है या कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है, किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में क्या लगता है, सुंदर लगता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर वर्णों की क्या हुई है, बार बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, और बार बार आवृत्ति होने के कारण जो वाक्य है उसमें एक सुंदरता है वो आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। देखिए यहाँ पे भी च वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पे भी च वर्ण की, यहाँ पे भी च वर्ण की आवृत्ति है वो हुई है। ठीक है, से वाक्य का जो सौंदर्य है वो क्या हो गया, बढ़ जाता है, अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। अतः यह किस अलंकार का उदाहरण होगा, यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। तो आपने जो अनुप्रास अलंकार है उसको बहुत अच्छी तरह से समझा है। ठीक है, अगला देखिए आप, जो अनुप्रास अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं
परीक्षा की दृष्टि से उनके बारे में, ठीक है। तो देखिए उदाहरण, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो किस प्रकार यहाँ पर आपने एक उदाहरण देखा, इस उदाहरण में जो मैं वर्ण है उसकी क्या हुई है, बार बार आवृत्ति हुई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका जो अनुप्रास अलंकार है वह हो जाता है, ठीक है। अगला एक उदाहरण और है, बंधु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, ठीक है। इसमें भी जो प वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है, और नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें जो स वर्ण है उसकी क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण जो काव्य पंक्तियां हैं, जो विचार अभिव्यक्ति है, उनमें जो सौंदर्य वृद्धि है वो हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए उदाहरण, आप रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार जो र वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है, ठीक है। नीचे वाली पंक्तियों में किस प्रकार से जो प वर्ण है उसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, ठीक है। अगला है आपका उदाहरण, जो खग हो बसेरो करो मिल, काली नदी कुल कदम की धारण। अर्थात यहाँ पर जो रसकान वगैरह है, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि अगर मुझे अगले जन्म में पक्षी वगैरह का जो जीवन है वो प्राप्त होती है, तो मैं कहाँ जो काली नदी है, थार जो यमुना नदी है उसके किनारे के पास जो कदम्ब है उसकी डाल वगैरह में मैं रहना चाहूँगा, इस प्रकार जो भी है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार रसकान ने अपनी विचारा अभिव्यक्ति को अत्यंत सुंदर बनाने के लिए एक से अधिक जो वर्ण है वो अपने काव्य पंक्तियों में प्रयोग किए हैं। जैसे कह कह वर्ण है उसकी एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है वह होता है, ठीक है। अगला है आपका, यह भी भगवान श्री कृष्ण का ही लिया गया है ना, यह आप जो श्री राम हैं उनके बचपन का लिया गया है। देखिए यहाँ पर, कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, ठीक है। तो देखिए इसमें कह कह वर्ण है उसकी क्या हुई है, बार बार अर्थात एक से अधिक बार यानी दो बार जो आवृत्ति है वो हुई है, ठीक है। अंत में भी आप देख सकते हो किस प्रकार से समान स्वर वगैरह आने के कारण यहाँ पर भी कौन सा हो रहा है, अंत्यानुप्रास अलंकार हो रहा है, ठीक है। अगला देखिए उदाहरण, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ठीक है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार जो तय वर्ण है उसकी एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार जो अनुप्रास अलंकार है वह होता है, ठीक है। आगे देखिए यमक अलंकार, अगला आपका अलंकार कौन सा है, यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार को भी हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर यमक अलंकार की परिभाषा, तो देखो, जब कविता में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। जब कविता में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी शब्द तो क्या होगा आपका, एक होगा, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, अर्थ हर बार अलग अलग होगा, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है आपका, यमक अलंकार होता है, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इसको, काली गठा का घमंड गठा, काली गठा का घमंड गठा। तो देखिए उपयुक्त काव्य पंक्तियों में काली गठा का घमंड गठा घट गया है, काली गठा का जो घमंड है वो क्या हो गया, घट गया है। गठा शब्द के दो विभिन्न अर्थ हैं, गठा शब्द के क्या हैं, दो विभिन्न अर्थ हैं। पहला है आपका गठा काले बादल, पहला कौन सा आपका, गठा काले बादल। और गठा का दूसरा अर्थ है आपका कम हो गया, ठीक है। पहला तो क्या है आपका, काले बादल,
और दूसरा गठा है उसका अर्थ क्या हो गया आपका, कम हो गया। ठीक है, गठा शब्द ने इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है, अर्थात गठा गठा शब्द की एक से अधिक बार अर्थात दो बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर जो ये काव्य पंक्ति है इसके सौंदर्य में क्या कर दिया है, इसने चार चांद लगाने का जो कार्य है वो कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए यमक अलंकार के अन्य उदाहरण। तो देखिए यहाँ पर कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराए लीनी। ठीक है, तो किस प्रकार से यहाँ पर जो बेनी बेनी शब्द है उसकी एक से अधिक अर्थात दो बार क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहे कवि बेनी अर्थात पंक्ति में बेनी शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, पहली बार प्रयुक्त जो बेनी है वो कवि का क्या है, नाम है। आए बच्चों बात समझ में आपके, कि पहली बार प्रयुक्त जो बेनी है वो क्या है, कवि का नाम है, तथा दूसरी बार प्रयुक्त बेनी का अर्थ है चोटी। ठीक है, सिर वाली चोटी। आए बच्चों बात समझ में आपके, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण जो काव्य सौंदर्य है वो हो रहा है। अगला देखो उदाहरण, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ पर देखिए रति रति जो शब्द है उसकी एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, तो किस प्रकार किन किन शब्दों के साथ इसका जो अर्थ है वो सही रूप से क्या होता है, व्यवस्थित होता है, वो देखेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखिए रति रति शब्द तीन बार प्रयुक्त हुआ है, जो रति रति शब्द है वो कितनी बार प्रयुक्त हुआ है, वो आपका तीन बार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, पहली बार रति प्रयुक्त जो रति शब्द है उसका अर्थ है रति, पहली बार प्रयुक्त जो रति है उसका अर्थ क्या है, रति के समीप। ठीक है, यानी जरा सा, जरा सा का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा, जरा सा का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा। ठीक है, और दूसरी बार प्रयुक्त रति शब्द का अर्थ है कामदेव की पत्नी, अर्थात जो काम देवता है उनकी पत्नी का नाम क्या है, रति है। ठीक है, इस प्रकार और तीसरी बार प्रयुक्त जो रति शब्द है उसका अर्थ हमने लिया कि जरा शब्द यानी रति यानी समीप, जरा और कामदेव की पत्नी, इस प्रकार बेनी और रति शब्दों की आवृत्ति में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। किस प्रकार बेनी ने चमत्कार उत्पन्न किया है और किस प्रकार जो रति रति है उन शब्दों ने क्या किया है, काव्य पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न किया है। ठीक है, आगे देखिए यमक अलंकार आपने समझ लिया है तो हम बढ़ते हैं आगे यमक अलंकार के उदाहरण। तो देखिए बहुत ही अच्छा, और आपने बहुत बार इस उदाहरण का अध्ययन है वो किया होगा। तो देखिए कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय वा खाय बोराय जगया पाय बोराय। बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर देखिए एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, कनक है, कनक है उसकी एक से अधिक बार था दो बार क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार जो कनक कनक शब्द हैं उनके हम दो अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न अर्थ है वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कनक शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। ठीक है बच्चों, तो देखिए किस प्रकार एक व्यक्ति विशेष होता है जब उसको मिल जाता है, क्या मिल जाता है, धतूरा, धतूरा व्यक्ति को मिलता है तब वह क्या कैसा हो जाता है, वह मदमस्त हाथी के समान हो जाता है, अर्थात वह सब कुछ क्या होता है, भूल जाता है और अपनी मस्ती में है वो मस्त हो जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार जब व्यक्ति को क्या मिल जाता है, सोना मिल जाता है, तब भी वह क्या हो जाता है, पागल है वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार कवि ने अपने भाव व्यक्ति को सुंदर बनाने के लिए एक से अधिक समान शब्दों का
अलग अलग अर्थों में क्या किया है, प्रयोग किया है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं हम। तो देखिए अगला उदाहरण, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, करका मन का डारी दे मन का फेर। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से सचेत किया गया है, किस प्रकार एक व्यक्ति विशेष है वो जीवन पर्यंत क्या करता है, जो मोतियों की माला है वो फेरता है, लेकिन जो मन का फेर है वो कभी क्या नहीं होता है, वो समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो मन का जो शब्द है उसकी क्या हुई है, एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर देखो मन का शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, कितनी बार हुई है, दो बार। पहले मन का अर्थ है हृदय, पहले मन का अर्थ क्या है, हृदय, और दूसरे मन का अर्थ है मोती। ठीक है, पहले मन का अर्थ क्या है, हृदय, और दूसरे मन का अर्थ क्या है, मोती। ठीक है, अन्य उदाहरण देखिए, तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती है। ठीक है, किस प्रकार कवि भूषण ने यह बात कही थी औरंगजेब की रानियों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बेर बेर जो शब्द है उसकी एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। तो देखिए यहाँ पर किस अर्थ में जो दो बेर हैं उनको लिया गया है, पहला है बेर शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, पहले बेर का अर्थ है एक फल, सब जानते हो आप बेर, और दूसरे बेर का अर्थ है तीन बार, दूसरे बेर का अर्थ क्या है, तीन बार। तो यहाँ पर किस प्रकार एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण जो काव्य है उनमें क्या होता है, चमत्कार अर्थात सौंदर्य है वह उत्पन्न होता है। अगला है आपका अलंकार, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है अगला आपका, उपमा अलंकार। तो आपने अनुप्रास अलंकार पढ़ा, ठीक है, आपने यमक पढ़ा, ठीक है, अगला हम देखेंगे उपमा अलंकार। तो देखिए विद्यार्थियों उपमा अलंकार किसे कहते हैं, विस्तार से हम जानेंगे इसको। उपमा अलंकार का अर्थ, उपमा अलंकार का अर्थ, दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उनमें कुछ समान यानी समानता है वो दिखाना, क्या दिखाना, समानता दिखाना, जहाँ रूप रंग गुण आदि के आधार पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, दो वस्तुओं या व्यक्तियों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों, वहाँ पर होता है आपका उपमा अलंकार। ठीक है, जैसे उपमा अलंकार के अंग हैं मुख्यतः चार अंग हैं, पहला है आपका उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, और चौथा है वाचक शब्द। तो विस्तार से देखेंगे हम उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, साधारण धर्म किसे कहते हैं, और वाचक शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए उपमेय जिस वस्तु की तुलना की जाए, जिस वस्तु की क्या की जाए, तुलना की जाए, उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। दूसरा है आपका उपमान, जिससे तुलना की जाए, जिससे क्या की जाए, तुलना की जाए, वो क्या कहलाता है आपका, उपमान कहलाता है। तीसरा है साधारण धर्म, समान गुण या विशेषता क्या कहलाती है आपकी, साधारण धर्म कहलाती है। ठीक है, अगला है आपका वाचक शब्द, वाचक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों की सहायता से, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है उन्हें क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान आदि क्या है आपके, वाचक शब्द हैं। तो देखिए परीक्षा में आपसे इस प्रकार जो उपमा अलंकार है उससे संबंधित अनेक उदाहरण हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उपमा अलंकार में जो वाचक शब्द हैं उनको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर आपको क्या दिखे, सा दिखे, सी दिखे, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान आदि शब्द दिखे, वहाँ पर आपको क्या करना होता है, वहाँ पर आपको उपमा अलंकार करना होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इनको उदाहरणों के माध्यम से। तो देखिए आगे इसमें उपमा अलंकार के उदाहरण,
उपमा अलंकार का उदाहरण है कर कमल सा कोमल है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, कर किसे कहते हैं, हाथ को। किसे कहते हैं, कर हाथ को। और हाथ किसके समान है, हाथ कमल के समान कोमल है। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरण में कर अर्थात हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। इस उदाहरण में कर उपमेय है, इस उदाहरण में आपका कर क्या है, उपमेय, कमल उपमान है, कोमल क्या है आपका साधारण धर्म, और सा क्या है आपका वाचक शब्द है। तो चारों के चारों जो आपके उपमा अलंकार के अंग जब एक होते हैं, एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है आपका, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, एक अन्य उदाहरण है आपका नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऊपर दिए गए उदाहरण में हृदय की नील गगन से तुलना की गई है, जो हृदय है उसकी तुलना की गई है, किससे की गई है, नील गगन अर्थात आकाश से की गई है। इस वाक्य में हृदय उपमेय है, इस वाक्य में हृदय क्या है, उपमेय है, एवं नील गगन क्या है, उपमान है, और शांत क्या है, साधारण धर्म है, और सा क्या है आपका वाचक शब्द है। तो किस प्रकार हमने उपमा जो अलंकार है उसको अच्छी तरह समझा, उसके चार जो अंग थे उनको भी बहुत अच्छी तरह समझा, और किस प्रकार साहित्य में जो उपमा अलंकार है वह एक अहम जो भूमिका है वह क्या करता है, निभाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण। तो उपमा अलंकार के अन्य उदाहरणों में है आपका उदाहरण पीपर पात सरिसमन डोला, पीपर पात सरिसमन ढोला। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, ऊपर दिए गए उदाहरण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया गया है, जो मन है उसको किसके समान हिलता हुआ बताया गया है, उसको पीपल के पत्ते के समान हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस उदाहरण में मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, ढोला साधारण धर्म है, एवं सरिस अर्थात के समान क्या है आपका वाचक शब्द है। ठीक है, आगे है आपका हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो इसमें देखिए ऊपर दिए गए उदाहरण में बच्ची को फूल की तरह कोमल बताया गया है, किसके तरह बताया गया है, बच्ची को फूल की तरह कोमल बताया गया है। ठीक है, तो इस उदाहरण में बच्ची क्या है, उपमेय है, फूल उपमान है, कोमल साधारण धर्म है, एवं सी क्या है आपका वाचक शब्द है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका उपमा अलंकार समाप्त होता है। ठीक है, आशा है कि आपने जो उपमा अलंकार है उसको अच्छी तरह से समझा होगा। आगे देखते हैं हम